माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बैठिए। आप पेरी मत कीजिए नौ, आप विनम्रता के तहत एक छोटी सी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुअमोटो स्टेटमेंट चलिए सर, आसमान तो एक मिनट बताइए, बैठिए सर, आसमान सुनी मैंने, बैठिए। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए, कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे, और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन के उपनेता ने पीड़ा व्यक्ति है में कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार है, कि हम चर्चा करने तैयार है, और हम अध्यक्ष जी से भी बोला था, लेकिन आपने भी इसे उठाया है, तुरंत चर्चा करने मेरा आग्रह है। ये चर्चा आप क्यों भाग रहे हैं, देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर, ये क्या चल रहा है, हो गई सरकार तैयार है, पूरा चर्चा होगी, पूरा हमारा चर्चा शुरुआत से ही, और नॉर्थ ईस्ट का एमपी से ही समस्या का समाधान होगा। नॉर्थ ईस्ट का एमपी जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा का समाधान निकलेगा। मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य दुरुद्देश्य मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, मैं सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माने राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए, आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है, मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें, सरकार उस सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है, और कहा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी बिहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग सर, सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई, यदि हाँ तो विवरण क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई। प्रश्न संख्या 42, श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42, माननीय जनजाति मंत्री जी। मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें उसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, जैसे मैंने उत्तर में ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे संरक्षण संधि उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धित संवर्धन और
ऐसे चीजों को जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीजों को राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्र पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजाति क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43, श्री सुधीर गुप्ता जी, प्रश्न क्रमांक 43। सर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द सर। अन्य सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम किसे कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,650 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लेंडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसलिए काम किया जाता है। माननीय, मैं आप माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जो लोन जिस उद्देश्य से लिया है वह नीचे रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। अगर मैं बताना चाहूँगा तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड 1,13,00,000 रोजगार उपलब्ध हुआ है, मुद्रा के माध्यम से 39,00,000 लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सम्मेलन ले रहे हैं, वैसा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को उनका फायदा हो रहा है। धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश ने 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित किया है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। एमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान को बेचने के लिए बचाने के लिए सरकार बैंकों सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने दो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं, उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, माय ऑनरेबल कोलीग हैज गिवन एन आंसर, आई वुड वांट टू ऐड समथिंग टू इट। द ऑनरेबल मेंबर हैज रेज्ड अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। आई नो आई हैव हर्ड कंप्लेंट्स अबाउट हाउ वेरी मर्सीलेसली द पेइंग बैक has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. रिपोर्ट निशिकांत दुबे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो इनका उत्तर, इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमिटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है। महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है, आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग असेंबलिंग के काम महिला करते हैं, आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में, मेठी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई एक आईटीआई भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया है,
और मैं दूसरे जगह नहीं जाता, मेरे ही लोकसभा में, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई बनना है, मेरे ही लोकसभा में 15 आईटीआई बने हैं। जब रूड़ी जी मंत्री थे तो मैं इनको दिखाने भी ले गया था। लेकिन राज्य सरकार आईटीआई के प्रति जो है वो इतनी अनमेस्क है कि वो कोई आईटीआई चलाने को तैयार ही नहीं है। भारत सरकार का पैसा है, आईटीआई चलता नहीं है। और उस वक्त ये योजना बनी थी कि आईटीआई को भारत सरकार, चूंकि उसका पैसा है, तो ये स्किलिंग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, और राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार इन सारे आईटीआई को, जो कि भारत सरकार के खर्चे पर बना हुआ है, उन सबों को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में आईटीआई चलाने की काम राज्य सरकारों की है, ये बात सही है। कुछ राज्यों में ने राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये बात ध्यान में आती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार आईटीआई को सीधा लेके चलाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। तिवारी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, आभार प्रकट करता हूँ। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ये दर्शाता है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके, ये मैं प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उनकी जो अपेक्षा है मैं चर्चा कर लूंगा। नंबर 45, डॉक्टर उमेश जी माधव। सर, क्वेश्चन नंबर 45। माननीय मंत्री महोदय, सभा पटल पर रखिए। माननीय सदस्य, सर आज आई हैव गॉट क्वेश्चन। इंडिया इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड इज नोन हैज एन आईटी हब। सो माय फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर इज, व्हाट आर द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन इंक्रीज द टैक्स मॉरल। जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि विवरण सदा पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। TDS सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वह ITR सही सही भर सके, करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चला रही ताकि लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो। स्पीकर सर, आई वांट टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट व्हाइल द फेसलेस असेसमेंट्स हैव बीन अ गेम चेंजर इन ईज ऑफ फाइलिंग एंड कंप्लायंस, the faceless assessments also result in several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for startups and SME companies. What is the government doing to take steps to address the issues arising out of these high-pitched assessments? जी, कहीं ना कहीं फेसलेस के माध्यम से इन सब चीजों को लिया गया और समय समय पर समीक्षा की जाती है और IT प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जन जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न जाति तथा IT सिस्टम आदि आने वाले समय में आयकर को और भी आगे दिशा देने वाला काम करेगी। माननीय सदस्यगण,
मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में आप लोग मत के विषयों को उठाएं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण आपको नारेबाजी और तकिया लाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा, नारेबाजी से तकियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन चले, आप अपनी बात रखें, मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाए और जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं 12 बजे बाद उस मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं सभी दलों से बात करके सहमति बनाकर इस मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हूं। आप नारेबाजी करेंगे, तकिया लाएंगे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।